नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुवरेश शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, आज रोज सत्संग शिक्षा परिषद गांधीनगर द्वारा संचालित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल कैंपस में चल रही स्वामीनारायण नर्सिंग कॉलेज बीएससी केवड़िया कॉलोनी में पढ़ रहे छात्राओं द्वारा न्यूट्रिशियन प्रैक्टिकल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया और उसके साथ कॉलेज के प्रिंसिपल संगीता बहन पंचाल, घनश्याम भाई, कैंपस के डायरेक्टर श्री कुलदीप सिंह गोहिल के साथ संस्था के शास्त्री श्री धर्मानंद दास जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को जानकारी दी गई कि किस भोज्य पदार्थ से कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, कौन से रोग के लिए कौन से आहार की जरूरत है और कितना आहार लेना चाहिए, प्रसूति के पहले और प्रसूति के बाद किस तरह का आहार लेना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के बारे में इंडिया खबर लाइव संवाददाता ने कॉलेज के प्रिंसिपल और छात्राओं से बात कर इस कार्यक्रम के बारे में जाना। गुजरात नर्मदा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। सत्संग शिक्षा परिषद गांधीनगर द्वारा संचालित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल कैंपस में चल रही श्री स्वामीनारायण नर्सिंग कॉलेज बीएससी केवड़िया कॉलोनी तालुको गरुड़ेश्वर डिस्ट्रिक्ट नर्मदा में फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग के 40 स्टूडेंट्स ने 12 फरवरी 2020 के दिन न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल का आयोजन किया है। ये न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइज करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि जब स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाए तो उनको कोई भी डिसीज कंडीशन का पेशेंट हो तो उनको कैसा डाइट लेना चाहिए, कौन से डाइट में से कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और कोई भी डिसीज कंडीशन हो तो वो डिसीज कंडीशन में से जल्दी रिकवरी लाने के लिए उनको कैसा डाइट लेना चाहिए और कितनी अमाउंट में लेना चाहिए, वो हम ये दो दिन के दौरान सिखा रहे हैं। आज पहले दिन हमारे स्टूडेंट्स ने लैक्टेटिंग मदर यानी कि डिलीवरी के बाद जो माताएं ब्रेस्ट फीडिंग देती है तो उसके ऊपर डाइट मेनू हमारे फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स ने तैयार किया है। इसके पीछे का पर्पज़ ये है कि जब स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में जाए तो वो लैक्टेटिंग मदर्स को सिखा सके कि फर्स्ट 6 मंथ के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे वो आहार कौन सा ले, कितनी अमाउंट में ले, जिससे उनको ब्रेस्ट फीडिंग पर्याप्त मात्रा में आ सके और बच्चों में जो न्यूबॉर्न बेबीज और इन्फेंट्स होते हैं उसमें हम माल न्यूट्रिशन प्रिवेंट कर सकें। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये भी है कि जनता में हम माल न्यूट्रिशन प्रिवेंशन के लिए जन जागृति ला सके और सरकार को सहायता रूप बन सके। एनीमिया के जो दर्दी होते हैं उनमें एनीमिया प्रिवेंशन के लिए उनको कैसा आहार लेना चाहिए, कितनी अमाउंट में लेना चाहिए, तो उसके ऊपर भी उन्होंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब प्रिपेयर करने वाले हैं। और जब वो हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो एनीमिया के जो पेशेंट्स होंगे उनको ये इनफ वो गाइडेंस दे सकेंगे कि एनीमिया को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए और ड्यूरिंग एनीमिया के दौरान उनको कैसा डाइट कौन सी मात्रा में लेना चाहिए। टुडे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ डाइट मेनू फॉर लैक्टेटिंग मदर एंड एनीमिया। वी आर 14 स्टूडेंट प्रिपेयर अ डाइट मेनू फॉर लैक्टेटिंग वुमन and anemia, such as breakfast diet, brunch diet, lunch diet, evening diet, night diet, and dinner diet. We 40 student has prepared a diet menu for lactating woman and anemia, like protein requirement, energy requirement, calcium requirement, iron requirement, folic acid requirement, fat requirement, etc.